आइए जानकारी करते हैं कि आज महापर्व जो छठ का जो त्यौहार मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। और भारतवर्ष ही नहीं, चाहे उत्तरांचल और बिहार के लोग बाहर जो रह रहे हैं, देश विदेश के अंदर जो रह रहे हैं, वहाँ भी इस त्यौहार को अच्छी अहमियत से मनाया जाता है। हमारे बीच में कुछ महिलाएँ, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इस त्यौहार को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी टोकरे के अंदर फल वगैरह लाते हैं, और ये अभी किसी एक महिला ने बताया कि 36 घंटे व्रत रखते हैं, इसके अंदर ना तो पानी लेते हैं, ना चाय लेते हैं, ना कुछ इस तरीके का नहीं लेता। क्या आपने भी इस तरीके का व्रत रखा है? आप अपना नाम बताएं। रितिका सिंह है मेरा। यूँ की करना कैसा, उसके बाद से नेक्स्ट ईयर से जैसे रहेगा, जैसा मम्मी जी मुझे जब से देंगी करने की, तब से कंटिन्यू करूँगी। तो आप इंतजाम रहेंगे मिलेगा नहीं वो चीज, तो आगे कंटिन्यू करना मतलब एक सफलता नहीं हो पाती है। तो बड़ों के आशीर्वाद के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा हो। तो कुछ चीज़ें जो कि सीखनी ज़रूरी है, तो अभी सीख रही हूँ, तो गलती होना नहीं चाहिए, इसलिए पहले सीख लूँगी फिर करूँगी। अब आप बस मांगना चाह रही हैं? बस हो जाए नन्ना मुन्ना, और क्या मांगेंगे। और बेटी के फिर शादी करेंगे उसके बाद। छह दिन बाद मनाया जाता है, और छह दिन का इंतजार देखा जाता है कि बहुत से लोग, जैसे अभी एक माता जी ने बताया कि बच्चे दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो एक आज का ही दिन एक ऐसा होता है सारा परिवार इकट्ठा मिलकर इस त्यौहार को मनाया जाता है, और एक दूसरे की उज्जवल भविष्य की और जीवन की कामना करते हुए इस त्यौहार को बड़े अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है। आगे और बात करते हैं, आगे चलते हैं।